अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और शो का होस्ट, मेरा नाम है सुजील खान और हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज हम आए हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर मिस्टर संजीव शर्मा का इंटरव्यू लेने। दोस्तों, इस वक्त हुए मड में, यानी कि मड में एक जगह है दाना पानी, ये पिकनिक और घूमने का पॉइंट है। यहाँ पे लोग सुबह जॉगिंग के लिए भी आते हैं। यहाँ पे ढेर सारी फिल्मों की, सीरियल की, एड्स की शूटिंग होती है और आज हमारे संजीव शर्मा जी यहाँ पर अपने एड फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तो क्यों ना हम आज इंटरव्यू उनका लें और उनकी कहानी उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं संजीव शर्मा जी के पास। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था संजीव शर्मा की, बॉलीवुड के जाने माने हस्ती। तो आज हमारे साथ संजीव शर्मा जी है और दाना पानी में इनकी एड फिल्म की शूटिंग चल रही है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी में, जो आपने कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच सुजील भाई, मैं आपका ये शो देखता हूँ, बहुत पसंद है मुझे और अच्छा हुआ आज आप शूट पे आ गए, बैठ के बात करें। संजीव जी, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले और क्या करते हैं, लेकिन हमारे शो का एक फॉर्मेट है कि शो का जैसे नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी, उसके हिसाब से हमारे जो सेलिब्रिटी होते हैं, यूर सेलिब्रिटी, तो आपकी जुबानी जब आप अपनी कहानी बताएंगे अपनी जुबानी तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं जानना चाहूंगा इस हमारे शो के माध्यम से आपने दर्शकों को बताइए आप कहाँ के रहने वाले और आपका जन्म कहाँ हुआ। मैं उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत शहर है रुड़की, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, वहीं मेरी एजुकेशन हुई है और रुड़की से मैं डायरेक्ट जॉब के लिए बॉम्बे आया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि संजीव शर्मा जी रुड़की के रहने वाले हैं, रुड़की यूपी में आता है, उत्तराखंड यूपी में आता था, अभी उत्तराखंड में। हाँ। तो ये पहले यूपी में था, फिलहाल वो उत्तराखंड में। यूपी से कन्वर्ट उत्तराखंड और उत्तराखंड से आप महाराष्ट्र में आए, तो एक कैसे पॉसिबल हुआ कि महाराष्ट्र आपको कैसे खींच के लाया अपने पास? किस्मत लेके आई, किसे नहीं पता था मैं बॉम्बे आऊंगा, जॉब की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। लेकिन आपने पहले क्या किस्मत, तो मैं पहले उस पॉइंट पे आता हूँ, किस्मत आपको यहाँ कैसे लाई? किस्मत ऐसे लाई कि मैं जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था। ओके, जॉब के लिए, फिल्म के बारे में, टीवी के बारे में तो सोचा ही नहीं, क्योंकि वो क्या है कि हमारा जो परिवार है वहाँ पे लोग ये चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने, बच्चा डॉक्टर बने, एक्टर के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। तो मैंने भी वो कभी नहीं सोचा था, बट जॉब मुझे ट्रांसफर हुआ मेरा बॉम्बे और जॉब मुझे बॉम्बे ले आया। तो जब मुंबई आप आए, आपका जॉब तो मुंबई के, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र का मुंबई कैपिटल है, तो मुंबई में आपको कहाँ पे रहने का रेसिडेंस जगह कहाँ मिली? मैंने कई जगह चेंज किया, कम से कम 13-14 जगह चेंज किए होंगे। नहीं, स्टार्टिंग में आप कहाँ पे? स्टार्टिंग में मैं कुर्ला में रहता था। कुर्ला से आप जॉब कहाँ करने जाते थे? जॉब करने जाता था वीटी। हाँ, चलिए, तो संजीव शर्मा जी मुंबई आए, मुंबई में कुर्ला में रहे, कुर्ला से इन्होंने जॉब के वीटी जाते थे। इंडस्ट्री में आपको पहला ब्रेक किस चीज में मिला, सीरियल, एड फिल्म या फिल्म, थोड़ा सा बताया? मुझे ब्रेक मिला सीरियल में। विच सीरियल? ये रिश्ता क्या कहलाता है, माय फेवरेट शो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने अक्षरा, यानी कि वीना खान को मारा था। तो खैर, तो अक्षरा के डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले किया, इन्होंने बचाने की कोशिश की थी, मैंने तो मार ही दिया था, खैर उसने आपने डॉक्टर प्ले किया था। तो कैसा एक्सपीरियंस था ये रिश्ता कहलाता के साथ? मैंने कभी सोचा नहीं सर स्क्रीन पे आऊंगा, लेकिन किस्मत ने ऐसा टर्न लिया कि मुझे आना पड़ा, मुझे जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, आज दो एक्टर बैठे हैं, मैं भी एक्टर हूं, आपको अगर पता नहीं तो बता दूं कि मेरी भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये रिश्ता कहलाता है था, जब मैं कश्यप सिंह का जो कैरेक्टर किया था जो अक्षरा का मर्डर करता है, और आपने अपना डेब्यू उससे किया। बिल्कुल, और मुझे उससे काम मिलना शुरू हुआ। तो दोस्तों, रिश्ता कहलाता के लिए हम लोग बहुत बहुत शुभकामना देंगे हमारे डायरेक्टर कट की टीम को। तो अगर फ्लाइट वेट सवार नहीं आता तो दोस्तों, हमारा शो ही नेचुरल है, कोई एडिटिंग, कोई कटिंग, कुछ नहीं है, लोकेशन ही ऐसी। हाँ, तो अगला सवाल के ये रिश्ता कहलाता के बाद आपको स्क्रीन मिली, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार मुझे इंडस्ट्री में आना चाहिए। बिल्कुल, उस सीरियल के बाद एक्चुअली लकीली मुझे जो सुभाष घई जी का इंस्टीट्यूट है ना, क्या नाम है यार इंस्टीट्यूट का, जो भी, हमें ये भी नहीं कह सकते एडिटर से कट कर दो, कट है ही नहीं सर, जो भी नाम है, सुभाष घई बोला बहुत है। हाँ, उनका इंस्टीट्यूट है, तो उसमें बच्चे छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म सुनाते हैं, तो उसमें कम से कम मैंने 15 से 16 फिल्में उनके साथ की और उस दौरान मुझे बहुत कॉन्फिडेंस हो गया। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, जब एक्टिंग फील्ड और जॉब, इनमें से किसी एक को चुनना पड़ा होगा? बिल्कुल, तो आपने एक्टिंग, एक्टिंग मैंने शुरू की जॉब से बाहर आने के बाद। ओके, मतलब आपने जॉब छोड़ दी थी? नहीं, मुझे जॉब से निकाल दिया गया था, धक्के मार के कह सकते हैं। देखिए, मैं पहले था सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से आप काम करो,
बट वो उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, टाटा ने उसको खरीद लिया। ठीक है सर, अभी आपने शब्द इंग्लिश बोला उसकी मुझे हिंदी भी चाहिए, मैंने आपसे पहले ही पूछी थी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, निजीकरण हो गया दोस्तों। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण हो गया, यानी कि अलग हो गया, अलग हो गया। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी सैलरी वगैरह अच्छी होती है, पोस्ट अच्छी होती है, लेकिन एक तलवार ऊपर टंगी रहती है गुलामी, आपको जॉब से कभी भी बाहर किया, कभी भी। और वही मेरे साथ हुआ, कंपनी की कॉस्ट कटिंग के दौरान मुझे बाहर कर दिया। या ये कह लो कि आप पैरोल या बेल पे बाहर आए हो, कभी भी अंदर जा सकते हैं? नहीं, अंदर नहीं जा सकते, मतलब बाहर जा सकते। फिर मैंने सोचा मुझे जॉब करना ही नहीं है। सो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना बचपन का पैशन पूरा करूंगा जो एक्टिंग था। सर मैं तो दर्शकों को इतना कहना चाहूंगा, इन्होंने जॉब छोड़ दी, अच्छा किया। अगर ये जॉब करते रहते हो तो संजय शर्मा जी आप हमें मिलते नहीं, हम आपको। अच्छा फिर और आपने कौन कौन से शो किए उसके बाद? मैंने काफी शो किए, और लेडीज स्पेशल एक शो आया जिसमें मुझे कंटिन्यूटी कैरेक्टर मिला दास बाबू का, काफी पॉपुलर हुआ वो, और नामकरण किया उसमें, पुलिस कमिश्नर का कंटिन्यूटी रोल था। कसौटी किया एक साल, उसमें फैमिली पंडित का रोल था, फिर अच्छे रोल मिलते हैं। संजीव शर्मा जी, जैसे कि आज आपके यहाँ शूटिंग चल रही है तो आपने बुलाया है, वैसे हमारा कैमरा कट नहीं होता, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक बार कट हम कर लेते छोटा सा, ताकि थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर मैं अगले सवाल पूछना शुरू कर दूं। कट कर लो भैया। संजीव जी, आपके सर की चाय कॉफी बहुत अच्छी थी, हमारी टीम को बहुत पसंद आई, थैंक यू। तो हमने जहां से सवाल छोड़े तो मुझे शुरू करते हैं कि आपने नामकरण से सीरियल किए और भी आपने जो नाम बताए, अच्छा लेडीज स्पेशल ये वो शो थे जिससे आपको पहचान मिली? जी। इसमें आपके कैमियो थे? आई थिंक नो, लेडीज स्पेशल मेरा कंटिन्यूटी कैरेक्टर था, उससे मुझे काफी पहचान मिली। क्या कंटिन्यूटी था उसमें आपका? दास बाबू का कैरेक्टर था। नेगेटिव कैरेक्टर था? नो, पॉजिटिव कैरेक्टर था। अच्छा, विराज का केयर टेकर बना था मैं उसमें। उसमें आपने गन बंदी देखी, आपके गन बंद देखे थे? मैंने तो मैं उसको सोच के था कि आप निगेटिव। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, नामगढ़ में आप कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर का? अच्छा, उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट और कहाँ हुई? उसके बाद मुझे फिल्म रेस 3 मिली जिसमें मैंने एक मिनिस्टर का कैरेक्टर, सलमान खान की फिल्म, और उस फिल्म को करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ गया। उस मूवी के लिए मेरे ख्याल से आउट ऑफ इंडिया गए थे आप? आउट ऑफ इंडिया गए थे, अबू धाबी गए थे और 8 दिन वहां पे हमने शूट किया। आपके साथ और भी कलाकार थे? कई कलाकार थे मेरे साथ। एक आध कलाकार का नाम भी बता, ब्रीज थापड़ जी थे, प्रवीण जी थे। थापड़ जी वही जो बात बात में शेर जी तो फिर आप बोर हुए नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों, जहां पर ब्रीज थापड़ जी है वो महफिल में रंग जम जाता, वहां तो अबू धाबी में इनके साथ थे तो उनके 52 नंबर 53 नंबर 54 नंबर 135 नंबर बहुत सारे नंबर के उनके शेर और शायरी होंगी। तो अब आपने कुछ वेब सीरीज भी की हैं? मैंने वेब सीरीज की है, मैंने एक सीरीज किया स्टेट ऑफ सीच 26/11 26/11 आर एस कृष्णमूर्ति का कैरेक्टर है, उसमें 5 एपिसोड है और वो काफी पेनफुल मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा। ओके, अच्छा रेस 3 सलमान खान साहब के साथ आपने काम किया तो सेट पे तो सलमान भाई दिखे होंगे आपको भाईजान, तो कुछ माहौल दिखा होगा कि वो उनका कैसा नेचर है, क्योंकि उनका एंग्री वो कहते हैं वो गुस्सेल है लेकिन वो लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पता है वो बहुत मूडी हैं एक्चुअली। ओके, और हर चीज में परफेक्शन देखते हैं। ओके, क्योंकि हमारा पहले दिन का एक्सपीरियंस है, हमारा सेट लगा हुआ था, सलमान भाई शाम को 4 बजे सेट पे आए और आते ही बोले कि बैकअप ये सेट मुझे पसंद नहीं है, पूरा सेट आप चेंज कीजिए, कल सुबह शूट करें। मतलब सब सेट लगा था और पैकअप करा दिया, पूरा सेट उन्होंने डिसमेंटल किया और दूसरा पूरा सेट लगाया अगले दिन, और अगले दिन लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा, अनिल कपूर जी पूरा सीन पढ़ चुके थे, उन्हें भी दोबारा वो सीन करना पड़ा। तो दोस्तों, ये है सलमान खान साहब की इमेज और इज्जत, बड़े बड़ों को उनकी बात माननी पड़ती है। इंडस्ट्री में अगर रहना है तो सलमान भाई से बड़ी मोहब्बत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सलमान भाई वही काम करते हैं जो हमेशा अच्छा और सही होता है, और दोस्तों वो सबकी मदद भी करते हैं, गरीबों की बहुत मदद करते हैं, एक्टरों की मदद करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि आपने अभी तक और कौन कौन सी फिल्में की हैं? मैंने अभी आने वाली फिल्म है युद्धरा, जिसको फरहान खान प्रोडक्शन, जिसमें गजराज राव जी के पीए का मेरा कैरेक्टर है। एक फिल्म आ रही है पटना शुक्ला में, क्या उसमें रवीना टंडन जी का पर्सनल डॉक्टर बना हूं। ओके, वो भी रिलीज होने वाली है, और कुछ वेब सीरीज आ रही है। सर मैं थोड़ा सा मुझे आदत है बीच में टांग लाने की, मैंने पर्सनल सेक्रेटरी सुना था, पर्सनल पीए सुना था, पर्सनल डॉक्टर पहली बार सुना, पर्सनल मतलब फैमिली डॉक्टर। तो दोस्तों आप पर्सनल डॉक्टर कुछ और ना समझे, रवीना जी अगर शो देखे तो कुछ गलत ना निकाले, ये आपके फैमिली डॉक्टर थे। हमारी अभी किस तरह हमारा शो तो थोड़ा बहुत मजाक मिलने की बिल्कुल होना ही चाहिए। चलिए हमारी इस गाड़ी को यानी कि समुद्र की लहरों के साथ साथ आगे बढ़ते, और अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 3 साल इंडस्ट्री को दिए तकरीबन, आपने लॉस्ट ऑफ सीरियल्स मूवी 7 साल मैंने 7 साल दिए और कई सारे शोज किए हैं, और इसमें कई उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। बिल्कुल भाई, कई चीजें तो मेरे साथ आपने एक्सपीरियंस की है, सुजय भाई इतने महीने से हम खाली बैठे हैं, काम नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं कहीं एज फैक्टर हो गया था, कहीं कहीं आप मानते कि लॉबी
तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उस एज में हैं जिस एज में बहुत सारा कंपटीशन है। ये जो फेस है ये हर एक्टर की जिंदगी में आता है एक्चुअली। जी जरूरी नहीं है कि हर समय आपको काम मिलता रहे। ओके, और आपकी मतलब कैरेक्टर का चयन ही ऐसे होता है कि आपके एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं उन सबका ऑडिशन लिया जाएगा, उसके बाद जो कैरेक्टर फिट होगा उसका दिया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट मैं ही करूँ। तो दोस्तों ये बात मैंने इसलिए ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि देखिए हमारे एक्टर हैं जॉनी भाई, जॉनी शेख और उन जैसे तमाम एक्टर हैं जो कि इंडस्ट्री में अभी नए ज्वाइन हुए हैं, तो उन सबको धीरज और सबर रखना है, क्योंकि जब एक कैरेक्टर के लिए ऑप्शन मांगते हैं तो कई दस ऑप्शन जाते हैं और किसी दस में से किसी एक का सिलेक्शन होता है, तो बाकी के जो नौ हैं वो निराश ना हो, क्योंकि हर इंसान का वक्त आना है और हर इंसान को आगे काम मिलना जरूर है ना। बिल्कुल, इस इंडस्ट्री में हर एज ग्रुप के लिए काम है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप बिल्कुल निराश मत होइए, ऑडिशन देते रहिए, प्रोडक्शन हाउसेस में जाते रहिए, काम आपको जरूर मिलेगा। अच्छा एक और सवाल, आप ऐसी कौन सी फिल्म आने वाली जिसको आपको बेसब्री से इंतजार है? मुझे वेब सीरीज का इंतजार है जो 7 अप्रैल को रिलीज होगी, विक्रमादित्य मोटवानी जी की जुबली। जुबली उसमें अपार शक्ति खुराना के फादर का मैंने कैरेक्टर किया है और आज ही मैंने उसका पोस्टर देखा, बड़ा अच्छा लगा देख के, तो उसका इंतजार है। प्लस एक आ रही है डोंगरी टू दुबई, वो अगेन एक्सेल प्रोडक्शन की है, उसमें ही मेरा एक गरीब मुस्लिम कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। मेड इन हेवन सीजन 2 आ रही है, उसमें एक प्रीस्ट का कैरेक्टर है, तो ये तीनों सीरीज का मैं काफी बेसब्री से इंतजार करता हूँ। ये आपकी फिल्में आने वाली हैं, और ऐसे कौन से अभी शोज हैं जो पेंडिंग है या जिसके आपके चल रहा है, आपकी बातचीत चल रही है कुछ नया, मतलब ये उसमें आप काम करने वाले, तो आने वाली है जिसमें आप ऑलरेडी काम कर चुके? कुछ फिल्म की बात चल रही है और एक मेरी फिल्म अभी आ रही है मुंबई टू आगरा। ओके, जिसमें मैंने एक प्रोड्यूसर का कैरेक्टर किया है और उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर सुजल भाई हूँ, और मुझे उसमें बड़ा अच्छा लगा काम करके। आपको वो टीम अच्छी लगी? टीम इसलिए अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे पूरी छूट दी कि आप जैसा करना चाहो वैसा करो, कोई आपको डायरेक्ट नहीं करेगा यहाँ पर, तो मुझे पूरी आजादी थी उसमें काम करने की, तो मैंने अपने ढंग से जैसा हो सका किया। अब वो अच्छा है या बुरा है वो तो डायरेक्टर बताएंगे। दोस्तों देखिए बहुत अच्छा लगा बात करके, मुझे एक चीज और बताते हुए आपको बेहद खुशी हो रही है कि संजीव शर्मा जी ना सिर्फ एक्टर हैं, एक अच्छे सिंगर भी हैं, इनके कई एल्बम यूट्यूब चैनल पर और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर है, तो मैं चाहूंगा कि एक दो लाइनें आप गुनगुनाते हैं अपनी आवाज में जाने से पहले। चैनल है, यूट्यूब चैनल है, और मैंने फिल्म दिया और बातें के लिए प्लेबैक भी किया। एक बात काट के मैं कहना चाहूंगा, संजीव शर्मा जी के पुत्र हैं, वो बहुत ही प्यारे सिंगर भी हैं, वॉइस जबर आर्टिस्ट हैं, बहुत मास्टरमाइंड है, उनकी वॉइस बड़े बड़े बैकग्राउंड वॉइस देते हैं, बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े कार्टून्स में ना जाने कहाँ कहाँ वो विदेशी फिल्मों भी देते हैं, तो ये सब कुछ अपने फादर से उन्होंने सीखा है। तो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा संजीव शर्मा जी के लिए कि इन्होंने अपने बेटे को अपनी बेटी को बेटा बेटी बन के नहीं दोस्त बन के पाला है, तो तमाम माता पिता से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को फ्रेंड बन के पालिए ताकि उनको आजादी दीजिए कुछ करने की जो करना चाहते हैं, ताकि वो देश में समाज में संजीव शर्मा जी के बच्चों का नाम कमाए। तो मैं बस वो दो लाइनें बिल्कुल मैं आपको सुनाऊंगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दो लाइनें थी, हमेशा संजीव शर्मा को याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। संजीव शर्मा जी आपने मुझे बताया कि नामकरण लेडीज स्पेशल आपने शो किए, तो लेडीज स्पेशल का मैंने कुछ किस्सा भी सुना था, कोई इंटरेस्टिंग बात थी? अरे हाँ, वो भी मैं जानना चाहूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, लेडीज स्पेशल इन दिनों चल रहा था, मेरा दास बाबू का कैरेक्टर काफी पॉपुलर हो रहा था उस समय, तो इंदौर में एक वेब सीरीज करने में गया था, तो शाम को प्रोडक्शन वालों ने मुझे बोला कि चलिए सर आपका ड्रेस वगैरह चेक कर लेते हैं, तो जब हम खरीदने गए वो कुर्ता पजामा खरीदना था, मेरा एक म्यूजिक टीचर का कैरेक्टर था उसमें, तो वो दुकानदार देखते बोले अरे आइए दास बाबू आइए। अच्छा, अरे प्रोडक्शन वाला तो परेशान हो गया, मैंने बोला ये तो ऑलरेडी पॉपुलर है, इसको तो दास बाबू के नाम से जानते हैं लोग, हमें इनको देना है डिफरेंट लुक। तो उनको तो रातों रात मेरा पूरा लुक चेंज उन्होंने किया, उसके बाद वो एपिसोड शूट किया। अच्छा। बाद रिलीज नहीं हुआ है वो, ये अच्छा हुआ, तो उन्हें लगा कि यार अगर ऑलरेडी एक बंदा इतना पॉपुलर है उसको हम इसमें कैसे म्यूजिक कैसे ले सकते हैं एज ए म्यूजिक टीचर, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। तो वो लुक मैं आपको बताऊंगा, वो आप लुक देखोगे ना आपको खुद लगेगा कि एकदम डिफरेंट कैरेक्टर है यार, ये तो लग ही नहीं रहा कुछ, बिल्कुल चेंज हो गया। ये दास बाबू का जो कैरेक्टर था उस कैरेक्टर के नाम से लोग जानने लगे थे बिल्कुल।
अच्छा, जैसे कि मैं बात कर रहा था आपके गानों की, शेर शायरी की, तो ऐसे कोई भी तमाम एक्सपीरियंस होंगे आपके पास जो कि हमारा शो मेरी कहानी में जुबानी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, क्योंकि हमारे पास अभी क्या इतनी मुश्किल से टाइम मिला है, दोबारा पकड़ में आएंगे नहीं, तो इसलिए कुछ और भी आप गाने का ऐसा है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली कभी गा पाऊंगा मैं, क्योंकि ये मेरा बचपन से शौक था, गाता था, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, मैं अपने बेटे के साथ गाता हूँ, बेटी के साथ गाता हूँ, उस चैनल पर डालता रहता, लेकिन एक जगह मेरी वॉइस मांगी उन्होंने, फिल्म ये सीरियल आता था दिया और बाती, दिया और बाती के लिए वो आवाज सेलेक्ट हो गई, ओके, और दिया और बाती के लिए मैंने तीन गाने, तीन प्लेबैक किए उनके साथ, तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने कहा यार गाना तो मैं शौकिया गाता हूँ और वो प्रोफेशनली टर्न हो गया, वो एक मतलब अच्छा लगा मुझे जानते। अच्छा देखिए, जैसे कि मैं एक सवाल और थोड़ा सा वैसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई ऐसे शूज किए हो, ऐसे फिल्म की हो जिसमें आपको बहुत उम्मीद हो, बहुत अच्छा आपको लगा हो कि मैंने किया है, जब वो टेलीकास्ट हुआ हो या फिर थिएटर मूवी आई हो तो वहां आपका सीन ना हो और ना के बराबर हो तो उसका मलाल भी आप हुआ करो, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, बिल्कुल होता है। अभी रिसेंटली अनिल कपूर की एक वेब सीरीज रिलीज हुई है नाइट मैनेजर, उसमें मेरा सीन बहुत अच्छा था डाइनिंग टेबल का, मेरे गाने से शुरू होता है वो सीन और बड़ा लंबा सीन था, वो कट के सीन में एक डायलॉग का रह गया, तो मुझे देखते थोड़ा सा मायूसी हुई, मैंने कहा यार सीन बड़ा अच्छा हुआ था, कोई बात नहीं, एक्टर की लाइफ है और ये दिस इज ऑल अबाउट दिस इंडस्ट्री। ये सवाल मैंने इसलिए किया दर्शकों को क्योंकि ऐसी कई फिल्में जैसे कि सूर्यवंशी और अजय सर के साथ रुद्रा, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट मैंने किए हैं जहाँ पे मेरे सीनों को कट किया गया और मैं पूरे मोहल्ले को, पूरे जगह को बता चुका कि मैं इसमें आ रहा हूँ, फिर जब पिक्चर थिएटर में आई तो मैं, मेरी से आवाज चल रही है और सामने वाले की पूरे फेस पे रखा हुआ, मेरी सी आवाज यूज की गई, तो दोस्तों वहां भी निराश ना हो कि मुझसे बहुत बड़े सीनियर एक्टर हैं, उनको भी साथ उनको भी ये झेलना पड़ा। बिल्कुल, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा कि जैसे कि हेल्प आती है कि लॉकडाउन भी ऐसा ऐसा महामारी थी, क्या था सर वो, एक ऐसा कयामत थी, मैं समझ कहना चाहूंगा मैं ऐसा क्या था वो, उस वक्त लोग बहुत परेशान हो गए थे और लोगों को पता नहीं क्या हो गया था, उस वक्त में मैंने आपको पूछा भी था, आप मुंबई में हैं तो आपने सर्वाइव कैसे किया था उस दौरान? एक्चुअली आपको कोरोना भी हुआ था? कोरोना भी हुआ था, मैं एडमिट भी था, उस चक्कर में मेरा एक बहुत अच्छी मेरी फिल्म छूट गई, एक मोदी जी के ऊपर एक फिल्म आ रही है, एक और नरेंद्र, ओके, तो जो मैंने अभी इंदौर के लुक की बात की ना, उस लुक को देख के मुझे अमित शाह के रोल उसमें ऑफर हुआ, लेकिन उस दौरान मैं कोरोना से ग्रस्त हुआ और हॉस्पिटलाइज हुआ तो मैं वो फिल्म नहीं कर पाया, मुझे बड़ा मलाल है उसका, क्योंकि इतना अच्छा रोल करना जिंदगी में एक ही बार आता है चांस, वो मैंने लूज किया। तो हम एक सेलिब्रिटी से एक मैसेज चाहते हैं जो अपने चाहने वालों को, अपने प्यार करने वाले, अपने फैंस, और आप इतने बड़े एक्टर हैं और मेरे लिए आपने बहुत कुछ किया है और आज मैंने आपके साथ बहुत सारे काम किए हैं, सो दैट, तो मैं चाहूंगा कि एक प्यारा सा मैसेज अपनी जुबान से, हमारे शो का नाम मेरी कहानी मेरी जुबानी, आम जनता तक आती है। मैं जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो बॉम्बे आके अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि हमें एक्टर बनना है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मुंबई आना है और एक्टर बनने आना है तो पूरी तैयारी से आइए, आप ट्राई करने मत आइए, क्योंकि एक्टिंग भी जॉब की तरह है, जैसे आप जॉब के लिए इंटरव्यूज देते हैं तो जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप नौकरी करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे आप इंटरव्यू की जगह ऑडिशंस देते हैं और सिलेक्शन होने पर आपको रोल मिलता है, तो पूरी वजह तैयारी से आइए और हो सके तो आप थिएटर ज्वाइन कीजिए, एक्टिंग पे थोड़े से छोटा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, लेकिन आप ट्राई करने मत आइए, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे बॉलीवुड के एक्टर, जाने माने एक्टर मिस्टर संजीव शर्मा जी, आप इन्हें फेसबुक पे सनी दादा के नाम से सर्च कर सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम भी है और ये बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है ये अपने रील्स की तरफ से, बहुत ही प्यारे रील्स बनाते हैं और रील्स बहुत परफेक्शन बनाते हैं, यानी कि वैसी लोकेशन, वैसी जगह सब कुछ चाहिए होता है। अगर आपको हमारे संजीव शर्मा जी की इंटरेस्टिंग बातें, इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी, आप इनको अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं जरूर के आपको संजीव शर्मा जी का शो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और हाँ जाते जाते एक बात और, अगर आप भी ये शो करना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अगली कहानी हो सकता है कि आपके साथ हो। ठीक सर, नमस्कार, थैंक यू सो मच।